भाइयों आज हम आ गए हैं फिर से अपनी i20 के पास, और हुआ ये कि पाजी का बन गया मूड। पाजी ने कहा कि गाड़ी का भी रिव्यू आज ही कर लेते हैं, बाद का टाइम नहीं है अपने पास। तो ये रहे हमारे पाजी, और पाजी हमें बताएंगे कि पाजी ने गाड़ी में क्या क्या काम करा डाला। कुछ नहीं डलवाया, सिर्फ अलॉय व्हील डलवाया, वही बहुत है। देख लो भाई, इस गाड़ी में सिर्फ कंपनी से आने के बाद सिर्फ अलॉय व्हील डले हैं। उसके अलावा पाजी आपने कोई काम कराया कभी? कोई ऐसा कि दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो आपने कराया हो? नहीं, कुछ भी नहीं आया, तब से एक्यूरेट चल रही है और विद सर्विस रिकॉर्ड ही। मतलब बाद में बाहर से कुछ नहीं कराया इसमें? कुछ भी नहीं कराया भाई, तो आपके सामने है। बस अगर कराया तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया था। एक तो आपके सामने आ गए अलॉय व्हील, दूसरा ये लगे हुए हैं इसमें। कौन सी कंपनी के पाजी? स्टेटस। भाइयों देख लो, स्टेटस कंपनी के हैं ये। ये लगवाए थे पाजी ने। और इस गाड़ी के भाइयों शीशे काले नहीं है। कितने कितनी उसकी फिल्म है पाजी? 50% है ये। 50% से भी कम है, सिर्फ कूलिंग फिल्म है ये। कूलिंग फिल्म है, देख लो भाई, इस पर ज़्यादा कोई गहरी फिल्म नहीं है। ये देख लो, अभी देखो ये शीशा नीचे होगा ना, ये देखो सिर्फ इतना सा ही है। ये देखो, देख लो भाई, सिर्फ इतनी सी है ये, बहुत ही मार्जिन वाली। तो ये बस आपको काला दिख रहा है, इतना गहरा काला नहीं है ये। फ्रंट पे भी करा रखा बाजी? फ्रंट वाले शीशे पे भी कराया आपने? नहीं, फ्रंट वाले शीशे पे नहीं करवाया। हाँ, इसमें सबसे बड़ा खर्चा तो बताना भूल गया। हाँ बताओ भाई, सुनो भाई, सुकून डिटेलिंग करवाई थी इस पर। हाँ भाइयों, वो बात आ गई अब मेन। पाजी वो बताओ आप इसके बारे में। इसमें क्या है, जैसे हल्का सा भी पॉलिशिंग है इसकी, एक साल की मेंटेनेंस के साथ। अच्छा, स्क्रैचलेस वगैरह की, और जो इसकी शाइनिंग है ठीक है, वाइट कलर है, थोड़ा मौसम भी ऐसा है, शाइन शायद पता ना चल रहा। बहुत ही तगड़ी शाइन है, आप खुद आके देखो पाजी एक बारी। ये देख लो फोन में है। ये गेट में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि बीच में एक्सीडेंट हो गया था, मैंने कंपनी से चेंज करवाया था। अच्छा, अभी इस पे, इस वाले गेट पे नहीं हुई है, ये ड्राइवर साइड वाले गेट पे। ठीक है ठीक है, पॉलिशिंग नहीं हुई है, कोटिंग अभी इस पे रुकी हुई है। हाँ, बाकी पूरी गाड़ी पे हो रखी है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, लॉकडाउन की वजह से मैं करवा नहीं पाया था। ठीक, बाकी आप फर्क देख सकते हो इस गेट के अलावा बाकी। हाँ, गाड़ी की पूरी गाड़ी की एक्यूरेट है। देख लो भाई, यहाँ पे ये बोनट रहा आपका, और वो पीछे दरवाजा पूरा सिंगल पीस है, कोई उसमें हमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। पाजी इसके वो बंद कर लो, तो पीछे रिफ्लेक्टर है ये। अच्छा, रिफ्लेक्टर के लिए। तो भाई देख लो, पीछे भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें एक मॉडिफिकेशन हमने और करवाया है, वो है आपके रिफ्लेक्टर्स। ये सब मॉडिफिकेशन नहीं, मतलब हमने अपनी गाड़ी में करवाया है। देख लो भाई, ये देख लो गाड़ी का एक बारी लुक्स देख लो आप, कितने ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो भाइयों ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की लुक्स बढ़ाने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ और सिर्फ लुक्स के लिए है ये। ठीक है पाजी, फोटो भी ले ली हमने। अगर थोड़ा पानी मिले तो मैं इफेक्ट दिखाऊँ कि इस पॉलिशिंग का और क्या फायदा है। मतलब वो तो देख ही रखी होगी। क्या नाम बता रहे थे आप, नाम बता दो। सेरेमिक 9H कोटिंग करवाई है। 9H कोटिंग हो रखी है भाइयों इसके ऊपर। आपने देखा होगा यूट्यूब पे और भी बंदों ने डाल रखी है कि मतलब उस पर पानी नहीं टिकता और ऐसे करके। और एक बात है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ अगर गाड़ी आपकी गंदी हो रही है ना, सिर्फ एक कपड़ा मारना पड़ता है और गाड़ी आपकी एकदम साफ़ सुथरी, कोई दिक्कत नहीं आती, और बहुत ही बढ़िया उसका वो है। तो पाजी ये तो हो गया आपका इसका सारा बाहर का, अब अंदर का कुछ आपने कभी मॉडिफाई कराया है? अंदर मैंने सीट कवर नहीं डलवाया अभी तक। सीट कवर नहीं डलवाए? मतलब चलो कंपनी वाले अभी तक बंदों ने देखे भी नहीं होंगे। पसंद है, देखे भी नहीं होंगे। चलो एक बारी वो ही दिखा देते हैं। हाँ, और वो कुछ एक लाइट आप बता रहे थे कि दरवाजा खुलते हैं कुछ लाइट जलती है, आपने एक लाइट की फिटिंग नॉर्मली है जो पैरों में लगती है। देख लो भाई, उसकी भी फिटिंग बड़ी जबरदस्त करा रखी है। अच्छा अच्छा, ये वाली लाइट देख लो, शायद गाइस अभी आपको दिख नहीं रही होगी। ये देख लो, ये यहाँ पे लगी हुई है, पाजी ने यहाँ लगा रखी है नीचे। ये देखो, तो यहाँ से क्या है कि लाइट आपकी शो नहीं हो रही, बट उसकी रिफ्लेक्शन लाइट की पूरी रोशनी है। यहाँ भी है, ये लगवाए थे कंपनी से। ये देख लो भाइयों, ये भी कंपनी फिटेड है, ये बिल्कुल भाई साहब कंपनी का ही है, कंपनी परचेज्ड है। कितने के मिले थे पाजी? ये 999 के। 999 के, तो मतलब आप 1000 मान लो पूरा विद GST। पीछे ऐसा ही अलग होता है। देख लो भाइयों, चारों दरवाजों में लग रहा है ये रहा। ये देख लो, इस पे भी i20 लिखा हुआ है, वो शायद आपको जस्टिफाई नहीं होगा या दिख रहा होगा। ये देखो ये लिखा हुआ, तो इस पे i20 लिखा हुआ है। ये हमने यहाँ पे जाली भी लगा रखी है, इस पे चलान नहीं है गाइस, ये भी ध्यान रखना है, इस पे कोई चलान नहीं होता। और इसका मिड क्वार्टर ग्लास हमने काला करा रखा है, जेट ब्लैक, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो ये है इस गाड़ी का रिव्यू। और अंदर अब देखो पाजी आपको एक बारी बैठ के दिखाएंगे।
कि कंफर्ट लेवल कैसे रहता है पाजी का? कंफर्ट लेवल तो देखो i20 जैसा है, मर्सिडीज वाला मजा नहीं पा रहा। तो पाजी इससे पहले आपके पास जैसे होंडा सिटी थी, तो इसके और उसके सिटिंग कंफर्ट में आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया लगी या फिर चलाने में किसको ज़्यादा मज़ा आया आपको? कंफर्ट लेवल तो होंडा सिटी का ही ज़्यादा है। होंडा सिटी का ज़्यादा है, इसका नहीं है? होंडा का मुकाबला तो नहीं कर पाएगी, झूठ बोलने वाली बात नहीं। तो इससे पहले भाइयों को सुन लो, भाई के पास होंडा सिटी ZX भी है, वो भाई के घर पे है और भाई ने उसको हाईली मॉडिफाइड कर रखा था किसी टाइम पर किसी वजह से वो गाड़ी हाईली मॉडिफाइड रह नहीं पाई, क्योंकि कुछ लोग चोर आते हैं भाई, उन्हें पता चल जाती थी कि हाँ इन्होंने ऐसे करा रखा वैसे करा रखा है, तो वो आते थे और सामान निकाल के जयराम जी की। तो पाजी और इसकी कोई ऐसी खास बात इस गाड़ी की जो आपको लगी हो कि बंदा ये गाड़ी ले? गाड़ी का पिकअप अच्छा है, गाड़ी का हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और आपने कहीं इससे अभी तक लॉन्ग टूर मारा पाजी? हाँ बहुत टूर मारे, 30,000 में आधे से ज़्यादा लॉन्ग टूर है, 30,000 किलोमीटर में। अच्छा तो पाजी जैसे आपने इसमें अलॉय व्हील लगवा रखे हैं, हाँ। तो ये कंपनी साइज वाले ही हैं या फिर एक्स्ट्रा बड़े हैं ये? नहीं थोड़ा सा फर्क है, बड़े हैं उससे, 17 इंची के हैं। अच्छा और कंपनी से जो आते हैं वो शायद छोटे हैं? कंपनी के शायद 14 या 15 इंची के होते हैं। तो आपको कुछ एवरेज में इसका फर्क लगा हो, महसूस हुआ? फर्क आता है क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। अच्छा बहुत कम चलती है। हाँ ये भी है, थोड़ा कम ही चलती है। और पाजी लॉन्ग टूर पे कुछ आपको लगा हो कि हाँ एलॉय व्हील की वजह से कोई दिक्कत आई हो, या अब तक कुछ ऐसा हो कि गाड़ी के मैकेनिकल उसमें जैसे कहते हैं लोग एलॉय व्हील से दिक्कत आती है, तो ऐसी कोई दिक्कत आई? मेजर इफेक्ट तो नहीं आया है, बट ये है कि हाँ देखो अगर लोकल टायर होंगे तो उसमें इफेक्ट आ सकता है लोकल टायर में। हाँ। तो भाइयों सुन लो, देखो लोकल टायर बिल्कुल मत लगवाना, कोई सस्ता दे बिल्कुल भी नहीं। योकोहामा के टायर हैं। अच्छा लो प्रोफाइल टायर हैं बिल्कुल, देख लो भाई योकोहामा के टायर बिल्कुल लो प्रोफाइल टायर हैं ये, और आप देख सकते हो आपके सामने ही है। ये है कि नॉर्मल टायर के मुकाबले थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती है। अच्छा मतलब जैसे आप हाई स्पीड पे चलाते होंगे तो? स्पीड पे नहीं, नॉर्मल रोड पे तो ठीक है, लेकिन हाँ जैसे बहुत ही ज़्यादा गड्ढों वाला एरिया है उसमें तो आवाज़ आएगी आएगी अलॉय व्हील से। अच्छा अच्छा तो इतना कोई मेजर इशू नहीं है कि मेरा सस्पेंशन हिल गया हो। अच्छा मतलब उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, शॉकर में कमी आई हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बाकी अपने ऊपर भी होता है यार, जितनी संभाल के चलाओगे उतना सेफ्टी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों देख लो, तो ये बिल्कुल आपको ऐसा वो दे रखा है कि कोई इसमें फेक नहीं है, जो सच है वही है आपके सामने है। अच्छा पाजी इसमें एक चीज़ और बताओ, जब ये गाड़ी हमारी आई थी इसमें नंबर प्लेट जो थी इसमें दूसरी थी, तो ये आपने बाहर से बनवाई थी या फिर कंपनी से ही आपने बनवाई थी? ये तो अथॉरिटी की नंबर प्लेट है। अथॉरिटी की नहीं, इससे पहले आपकी मॉडिफाइड वाली लगी हुई थी ना नंबर प्लेट, आपने वो चेंज करी थी बीच में चलान शुरू हुए थे ना सितंबर। भाइयों चलान तो खूब ज़्यादा ही हो गए थे, तो उसके बाद आपने ये लगवाई थी या फिर आपके पास रखी हुई थी आपने लगा ली थी? नहीं ये मैंने बनवाई थी, बाहर से ही बन जाती है अभी। बाहर से भी बन जाती है गाइस? बनती बाहर से नहीं बनती, बाहर से नहीं बनती भाई, अथॉरिटी से मिलती है। अच्छा हाँ। तो भाई ये सुन लो, बाहर से नहीं बनती और आपकी भी अथॉरिटी से ही मिलती है, और अगर मान लो पाजी अगर जैसे खो जाती है तो फिर अप्लाई करनी पड़ती है, मिल जाती है दोबारा? ऐसे FIR वगैरह करवा के अथॉरिटी में अप्लाई करनी पड़ती है। अच्छा तो भाई देख लो आपको मिल जाती है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी आप देख सकते हो भाई कितने साल पुरानी होगी पाजी हमारी? ये 17 मॉडल है। ठीक है भाई देख लो 17 मॉडल है। एक बारी पाजी इसकी डिग्गी खोल के दिखा दो, बूट स्पेस थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा। भाइयों देख लो बूट स्पेस, ठीक है ये देख लो भाई, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कंपनी ये हमारी सेवा के लिए, हाँ ये जनता की सेवा के लिए वो जनता की सेवा के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाइयों देख लो बूट स्पेस बहुत बढ़िया। तो पाजी आपको कभी होंडा सिटी चलाने के बाद कभी इसे देख के ऐसा लगा हो कि यार बूट स्पेस कम पड़ रहा है या दिक्कत आ रही है? होंडा सिटी में ना होंडा हाँ। सिटी का मुकाबला नहीं है इसके बूट स्पेस से। अच्छा उसमें इससे 3 गुना ज्यादा बूट स्पेस है। तो भाइयों देख लो जो भी होंडा सिटी चलाते होंगे उन्हें इस चीज का पता होगा, सेडान का है। हां हां नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी जगह एक्यूरेट है, वो अपनी जगह एक्यूरेट है। तो पाजी और कोई इसकी ऐसी खास बात जो आपको लगे कि हाँ भाई पता चलनी चाहिए लोगों को? नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बाकी हाँ गाड़ी में कोई कमी नहीं है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है तो भाइयों देख लो एक बारी, ये जो उधर आ रही है ना वो i20 उससे ज़्यादा बढ़िया है। देख लो भाइयों ये देख लो, उसी का ही पापा है, मतलब उसी के बेटे हैं ये सारे, ये देख लो। तो ये इलीट है, वो टाइप 1 है, वो फर्स्ट जनरेशन है, और ये थर्ड है ना, थर्ड ये अपनी थर्ड जनरेशन आ गई है। हमारे पास टाइप 1 भी है मगर उसकी कोई ऐसी खास बातचीत नहीं है कि हम उसकी वीडियो बनाएं, तो वो रहने दी हमने, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो देख लो भाई एक बारी ऑल ओवर लुक इसके। अच्छा हमारा ये है स्पोर्ट्स मॉडल, एक बारी ये चीज़ और देख लो भाई, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, पेट्रोल पे है, VT, ठीक है। और किसी भाई को डाउट ना रहे भाई CNG नहीं है, पेट्रोल की गाड़ी है। और ये बैक कैमरा नहीं है, किसी को लगे कि ये बैक कैमरा है, बैक कैमरा ही है, है? बैक कैमरा ही।
बैक कैमरा मैंने देखा नहीं कभी जलता हुआ। अच्छा ये जो बीच में उसमें जलता है आपके? हाँ। अरे हाँ हाँ भाइयों, ये बैक कैमरा ही है, वो भूल गया था मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आदत हो गई थी बेलिनो की, तो वो ध्यान था कि स्क्रीन पे आता है ऐसे ऐसे करके, तो इसके बीच में जलता है वो, मेरे को अभी याद आया। स्पोर्ट्स मॉडल अपनी VT इंजन है, तो एक बारी पाजी हमें अंदर से दिखाएंगे गाड़ी, एक बारी वो भी देख लेते हैं। देख लो भाइयों, टॉप स्पोर्ट्स मॉडल है जिसमें आपको पावर विंडो मिलते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगा आपको, और एक ये मिलता है, देख लो भाइयों, एक यहाँ पे एक इसमें आर्मरेस्ट है ऐसा सा, देख लो भाइयों, इसका AC चल गया। से आवाज से कर रहे हैं। हाँ गैस की कुछ CC की आवाज आ रही है ना, भूल गया। अरे नहीं, देख लो भाइयों, यहाँ पे एक बटन है, इससे सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं इससे, देख लो, ये देखो, तो ऐसा करके इसके अंदर ये हो जाता है। पाजी ये परफ्यूम खरीदा था आपने? कंपनी वालों ने कुछ इतने अच्छे नहीं है। अच्छा तो भाइयों ये देख लो, ये आफ्टर मार्केट है। एक है भाई, वो मोबाइल होल्डर है, अगर किसी भाई की भी अगर शिकायत है कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरे पास मोबाइल होल्डर है वो बहुत हिलता है, तो भाइयों ये देख लो, ये हमने कितने का लिया था पाजी? ये 450 का भाई, देख लो, आई पॉप का ओरिजिनल है, बस हमने होलसेलर से लिया था इसलिए हमारे को ये इतने का पड़ा था, वरना ये शायद महंगा ही होगा, तो उन भाइयों ने हमारे को दिया था। बाकी अगर किसी को चाहिए तो हमें बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे कि भाई कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पाजी एक बार इसका सिस्टम हो जाए, सिस्टम नहीं मतलब FM टाइप, क्योंकि गाने का वो आ जाएगा, कॉपीराइट इशू आ जाएगा, जैन में गाना नहीं चला सकते, या फिर YouTube से कनेक्ट करके ना नॉन कॉपीराइट इशू वो आती है करके वीडियो, वो भी चला सकते हैं। भाइयों ये हो गया इसका सिस्टम चालू, अब आप इसकी आवाज़ चेक कर लो कि कंपनी सिस्टम में कैसी आवाज़ आ रही है। इसमें चार स्पीकर के साथ मिलती है, ये एक वहाँ है, दो पीछे आपके बैक साइड में, देखना पाजी बड़ी वॉल्यूम फुल करके दिखा रहे हैं। तो भाई देख लो, अब आपके सामने ये कंपनी सिस्टम की इसकी आवाज़ है, तो ऐसे करके ही चलता है। पाजी एक बारी बस लास्ट चीज़ हमें दिखा दो इसका बैक गियर का, जो आप कह रहे थे ना वीडियो आती है, एक बारी हमारे व्यूअर्स को और दिखा दो। वैसे तो सबको पता ही होगी, तो नॉर्मल सी चीज़ है, मगर मैं एक बारी फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये आ रहा पीछे का व्यू, ये खड़ी हमारी स्विफ्ट, ये देख लो, ये ऐसे घूमता है, जब स्टीयरिंग हमारा रोटेट करो तो ये अपने आप ही उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो भाई ये है इसके फीचर्स, ये इसके बीच में यहाँ पे ये ग्लास रखने का है, और ये लाइट्स, और एक इधर बीच में। तो भाई अगर इस गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको कोई पार्ट में या किसी भी तरह का कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं आपको वहीं पर ही उस चीज़ का कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, जैसा भी आपको लगे, अगर कोई भी इशू आए, कुछ पार्ट का इशू आए तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।